बिना भांजे भांजे के मामा का काम नहीं चलता। मामा की जय, मामा की जय। भांजों की जाओगे तो मामा की वैसे ही जय जाओगे। मन पर विराजमान हमारी यशस्वी और लोकप्रिय उम्मीदवार और मेरी भांजी रक्षाताई खड़से जी, क्योंकि ये भी मेरी भांजी है, जब मध्य प्रदेश की बेटी है, मेरी भांजी है, खड़से जी मेरे मित्र है। अभी जिनको हम सुन रहे थे उन्हें अटल जी की याद दिलाती, नाम भी गजब का है। मैंने पूछा नांदूरा जा रहा हूं तुम्हारा आमदार कौन है, तो मुझे बताया चयन सुख संचेती जी। क्या नाम है, चयन भी है, सुख भी है, संचय भी है, इसलिए तो जय जय है। 25 साल से लगातार आमदार ऐसे हमारे आदरणीय नेता श्रीमान चयन सुख संचेती जी, हमारे नौजवान और युवा आमदार जिनको अभी हम सुन रहे थे, आदरणीय संजय खुटे जी, आदरणीय उमाताई जी, अर्चनाताई जी, रजनीताई जी, शिव भाव जी, बसंतराव जी, संतोष जी, किशोर जी, नंदू भाई महाजन जी, भरा पूरा मंच है इसलिए मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है, राम नवमी है आज, भगवान राम को प्रणाम। और मेरी यही प्रार्थना है सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि महाराष्ट्र और मेरे देश की जनता की जिंदगी में आए। भगवान करे कभी आपके पांव में कांटा भी ना गड़ पाए, आप सब सुखी हो, निरोग हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। आज ही हजारों वर्षों से हमारे ऋषि ये मंत्र गाते रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग भवेत्। और ये मेरी धरती है, ये मेरा देश है, जिसने आज नहीं हजारों वर्ष पहले कह दिया था, संयुक्त राष्ट्र संघ को बाद में बना, भारत ने कह दिया था हजारों साल पहले, अयम मिदम परापेति गर्दालं चेत्साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुम्बकम्। ये मेरा, ये तेरा है, ये सोच छोटे मन वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। और ये तो मेरे नेता नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, सबके लिए काम, ये मंगल काम आज नहीं परसों पहले हमने किए। राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे आराध्य है, राम हमारे प्राण है, राम हमारे भगवान है, राम भारत की पहचान है, बिना राम के ये देश नहीं जाना जा सकता। लेकिन मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, राम के देश में आज क्या हो रहा है समझ में नहीं आता। अभी मध्यप्रदेश की बात चल रही, हाँ मैं मध्यप्रदेश के बच्चों का मामा हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री बनते ही मैंने सबसे पहली योजना जो मेरी बहनों शुरू की, मैं बचपन से देखता था मध्यप्रदेश में, माँ भी कई बार बेईमानी करती थी, भेदभाव करती थी, बेटे को ज्यादा प्यार, बिटिया को कम लाड़, बेटा आए तो मन मस्तिष्क खिल जाए, हाँ भैया आया है, और बेटी आए तो कई बार भैया का चेहरा भी उतर जाता था। मैं बचपन से सोचता था बेटा बेटी में भेद क्यों, महाराष्ट्र में नहीं होता, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं करता, बेटे को ज्यादा लाड़, बिटिया को कम प्यार, तो बचपन से बात कचोटती थी मेरी आत्मा। जैसे मैंने होश संभाला, इमरजेंसी में जेल चला गया था, तो निकलते मैं सामाजिक क्षेत्र में जगाने की कोशिश करता था, एक जगह मैं भाषण दे रहा था, बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलेगी, तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी होगी, बड़ी बड़ी बात कर रहा, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो,
बेटी आ गई शादी करनी पड़ी तो शादी में दहेज का इंतजाम कर तू करवाएगा, आ गया बड़ी बड़ी बात करने। तो मुझे लगा केवल बेटी की बात करने काम से काम नहीं चलेगा। मैंने विधायक रहते हुए अपने क्षेत्र की गरीब बेटियों की शादी करना प्रारंभ किया। अब बाद में जब मुख्यमंत्री बना तो मैंने योजना बनाई, मुख्यमंत्री कन्या दान योजना, तय कर दिया कि मध्य प्रदेश की हर माता पिता जो बिटिया की शादी करना चाहेंगे तो शादी मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। कोई भी गरीब बिटिया केवल इसके कारण चिंता में नहीं रहेगी कि शादी में पैसा लगता है। फिर मेरे दिमाग में विचार आया कि बेटी लखपति होनी चाहिए। मैंने अपने अफसर बुलाए, उनसे कहा कि भाई ये कैसी हो जब बनाना है कि जिसमें बेटी लखपति हो पैदा हो। तो मुस्कुरा दिया, उनको लगा नया नया मुख्यमंत्री बना है, जोश ज्यादा है, थोड़े दिन में ठंडा हो जाएगा। बोले इम्पॉसिबल सर, हो ही नहीं सकता। मैंने कहा संभव शब्द शिवराज के शब्द कोश में नहीं है, मैं हूं तो मध्य प्रदेश की बेटी लखपति होगी। और हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, उस पर तय कर दिया कि बेटी पैदा होगी तो पैदा होते ही 30,000 रुपए के बचत पत्र बिटिया के नाम से खरीद के माता पिता के हाथ में दे देंगे और वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी 7,500, 11वीं 12वीं में 200 रुपया महीना और 21 साल की होगी तो सीधे 1,18,000 रुपया बिटिया को मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति होगी। बाद में कई राज्यों में वो योजना बनी, फिर बेटियों को साइकिल, बेटियों को किताबें, बेटियों को यूनिफॉर्म, गांव की बेटी योजना, एक के बाद इतनी हो, एक के बाद एक इतनी योजनाएं, बहनों को 50% रिजर्वेशन, रक्षा ताई सबसे पहले मध्य प्रदेश की धरती पर मैंने दिया स्थानीय निकाय के चुनाव। धीरे धीरे बेटियों ने मामा कहना शुरू किया, भांजे नाराज होने लगे, मामा बेईमानी हो रही है, बेटी साइकिल पर बैठ के जाए, हम पैदल घिसते हैं, बेटी कंप्यूटर लैपटॉप पाए, हम कापियों में काम चलाए, ये नहीं चलेगा मामा, हमें भी दे दे। तो मैंने भांजों को भी देना शुरू कर दिया। तो भांजों ने भी मामा किया, बाद में हालत हो गई कि बूढ़े भी कहने लगे मामा। इस बार लेकिन चुनाव के परिणाम बड़े विचित्र से आए, वोट हमें ज्यादा मिले, वोट भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में ज्यादा मिले। लोकसभा चुनाव को देखे तो 17 सीटों पे हम जीते, 12 पे कांग्रेस आ गई, लेकिन विधानसभा में थोड़ी गड़बड़ हो गई, थोड़ी सी सीटों से हम पीछे रह गए, बहुमत कांग्रेस को भी नहीं मिला, जीते वो भी नहीं, सरकार अकेली कांग्रेस की नहीं है, सपा बसपा निर्दलीय, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनवा जोड़ा, मिली जुली सरकार। हमें भी कहा कि तुम ही बना ले मामा तोड़ता, हम का तोड़ के खरीद के बनने वाली सरकार को तो मैं चिमटी से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री बनने की बात तो अलग है, मैं पद का लोभी नहीं हूं, मैं कुर्सी का लालची नहीं हूं, इस हमका कुछ दिन कोई देख लेने दो। लेकिन क्या झूठ बोला साहब, अगर दुनिया में सबसे बड़े झूठेले कोई है तो उनका नाम है राहुल गांधी जी। चुनाव के समय आए मध्य प्रदेश, केवल मध्य प्रदेश नहीं राजस्थान छत्तीसगढ़, मैं राहुल गांधी कह रहा हूं कांग्रेस की सरकार बनाओ, 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। और गिनते थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10वें दिन माफ नहीं किया तो 11वें दिन मुख्यमंत्री हटा देगा। कितने दिन हो गए राहुल गांधी, 120 दिन हो गए। मैं महाराष्ट्र वालों को भी बताना चाहता हूं, इससे सावधान रहना, बगल में बुरहानपुर जाके पूछ लो आप, आज तक किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ है। राहुल गांधी डींग हाँक रहे, हाँक रहे, मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ में कर्जा माफ। लेकिन कमलनाथ मोबाइल मैसेज कर रहे, इंतजार कर रहे थे कब कब आचार संहिता लगे, जान छूटे। जिस दिन चुनाव की घोषणा होने वाली थी शाम को 5 बजे 1 बजे ही मोबाइल मैसेज, किसान भाइयों आपका कर्जा माफी का आवेदन मिला, लेकिन अभी हो नहीं सकता क्योंकि आचार संहिता लग गई है, अब लोकसभा चुनाव के बाद विचार किया जाएगा। कर्जा 48,000 करोड़ का माफ,
बजट में प्रावधान 5,000 करोड़ का, बैंकों को दिए 1,300 करोड़। पैसा न देना नंदूरा का मेला, काय में कर्जा माफ होगा कोई बताए। अब उनके पास नोटिस आ रहे हैं, किसानों के पास डिफॉल्टर हो गए हो, किसान परेशान है। मेरी बहन और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर जो किसानों के लिए क्या भी अभी चैन सुखी सिंचाई की बात कर रहे हैं, ये भाजपा की हर सरकार होती है देवेंद्र फडणवीस कमाल कर रहे हैं। जन स्तर ऊपर उठ रहा है, पानी बचाने की योजना चलाई है, मध्य प्रदेश में 7.5 लाख हेक्टर से बढ़ाकर मैंने 41 लाख हेक्टर सिंचाई कर दी थी, 5 साल में 60 लाख हेक्टर के पार ले जाता। ठोस काम करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन झूठ बोला, किसान ठगे गए। नौजवानों का 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता एक को नहीं मिला, ये भी राहुल गांधी ने कहा था। राहुल गांधी ने कहा था मोबाइल की फैक्ट्रियां लगवा दूंगा, मोबाइल बनाने की, जिसमें नौजवानों को रोजगार मिलेगा। कमलनाथ रोजगार के अवसर ढूंढ के लाएगा, एक रोजगार उन्हें ढूंढा, ढोर चराओ, ढोर मतलब गाय बैल पशु चराओ, दूसरा लाए बैंड बजाओ, हम क्या इसके बाद लाएंगे बंदर नचाओ, बिच्छू पकड़वाओ। ठगी गई मध्य प्रदेश की जनता बहन बन, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, ये झूठ बोलने का काम करती है तो कांग्रेस करती है। कांग्रेस और भाजपा की संस्कृति में अंतर देखिए, मेरे नेता नरेंद्र मोदी पारदर्शी प्रमाणिकता भरा, जिनका जीवन जीवन का हरिक्षण भारत माता के चरणों में जिसने समर्पित कर दिया। कांग्रेस और बाकी विपक्षी आंखों में गड़ रहे हैं, क्योंकि चौकीदार ने तय कर दिया एक भी बेईमान को नहीं छोड़ूंगा, एक बेईमान नहीं बचेगा, भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है, सड़क अब नहीं बन रही, नहरें अब नहीं बन रही, बांध अब नहीं बन रहे, विकास के काम ठप्प है, केवल एक ही काम चल रहा है, ट्रांसफर उद्योग, सारे के सारे बदल डालूंगा, नए ट्रांसफर, हजारों ट्रांसफर कर दिए बिना लिए दे नहीं। कानून और व्यवस्था, लाइन ऑर्डर का मध्य प्रदेश में मतलब क्या है, पैसे ला ऑर्डर ले जा, ला एंड ऑर्डर, लूट मची हुई लूट, ठेकेदारों की गर्दन दबा दबा के पैसा वसूला गया, चारों तरफ त्राई त्राई मची हुई है, महाभ्रष्टाचार मध्य प्रदेश की धरती पर शुरू हो गया। और जब आयकर इनकम टैक्स वालों ने छापा मारा तो 281 करोड़ रुपए से ज्यादा मैं हिसाब के कौन कौन से वसूले, और कहां गए, तुगलक रोड पे, और वहां से कांग्रेस के ऑफिस में। बहन और भाइयों, ये कांग्रेस है जो जनता के धन को चोरी करके और कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़वाने में लगाती है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एक बेईमान को नहीं छोड़े। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। वो दिन भी याद करो जब यूपीए की सरकार थी, मुंबई में हमला हुआ था, आतंकवादी अटैक हुआ था, क्या किया था भारत सरकार ने, कायरान हमले से नहीं डरेंगे, हम देख लेंगे, हम समझ लेंगे, हम कर लेंगे। लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, छत्रपति शिवाजी महाराज याद आ जाते हैं। नरेंद्र मोदी ने कह दिया उरी में हमला हुआ आतंकवादी, सर्जिकल स्ट्राइक की गई, आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुस के मारा हमारे जवानों ने और सुरक्षित लौट के आ गए। पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ, 40 से ज्यादा जवान शहीद हुए, स्वर्गीय संजय सिंह राजपूत मलकापुर के, स्वर्गीय नितिन शिवाजी राव राठौर, दो इसी जिले के, मैं दोनों को प्रणाम करता हूं, ये भारत माता के सच्चे सपूत है, इनके परिवार को प्रणाम करता हूं, अपने रक्त के अंतिम बूंदे दी मां भारती की सेवा में, छावर कर दिया सब कुछ। लेकिन मोदी जी ने भी कह दिया हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं, घुस घुस के मारेंगे।
बहनों और भाइयों, कब हिम्मत की दूसरी सरकार उठी एयर स्ट्राइक कर दे? एयरफोर्स के जवान मारे गए, पाकिस्तान की सीमा में घुसे, बालाकोट पर बम बरसा की और आतंकवादियों को तबाह और बर्बाद करके वापिस सुरक्षित हमारे जवान लौट आए। एक अभिनंदन उनके F-16 को मारने में पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गए। यूपी की सरकार होती थी हो जाता क्या? कह दिया भारत साहब के अभिनंदन का बाल भी बांका हो गया तो पाकिस्तान तेरी खैर नहीं होगी। 72 घंटे के अंदर वापस अभिनंदन शान से वापस आ गया। आज का भारत है, लेकिन नए भारत का उदय हो रहा है। एक जमाना था जब दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी होती, आज केवल चीन अगर छोड़ दे तो सारी दुनिया भारत के पीछे खड़ी है। और हमारा साफ कहना दुनिया सुन ले, हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन आतंकवादियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, अलगाववादियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम अगर गोली दागोद गए तो बिरयानी नहीं खिलाएंगे, गोला मार के तबाह और बर्बाद कर देंगे। और धरती पे तो क्या, पाताल में भी घुस गए तो निकाल निकाल के मारेंगे, एक नहीं छोड़ा जाएगा। मेहमान स्वाभिमान से सीना तान के जिएगा मेरा भारत, ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला भारत है। देश का मान सम्मान शान स्वाभिमान आज सारी दुनिया में आगे बढ़ाया है तो नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाया है। एक तरफ सुरक्षा का मामला, दूसरी तरफ कश्मीर, धारा 370 खत्म करेंगे, डंके की चोट कह रहे हैं। कश्मीर भारत का अभिन्न है, हमारा किसी से बैर नहीं है, हम सबको बराबर मानते हैं, न्याय सबको, हिंदू को न्याय, मुसलमान को न्याय, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय एकता अखंडता से छेड़छाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। मेरा देश स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ेगा, लेकिन केवल इतने ही नहीं, विकास के मुद्दे तो देख लीजिए मेरे बहन और भाई, चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, क्या विकास के काम हो रहे हैं। नितिन गडकरी गर्व होता है, जो रोड बन रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, 14 रोडों का जाल, सिंचाई की व्यवस्थाएं, हवाई अड्डे, एयरपोर्ट, पोर्ट, एक नया भारत खड़ा हो रहा है मेरे बहन और भाई। और किसान भाई, ये कांग्रेस तो झूठा कर्जा माफी की बात करती थी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान भाइयों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सीधे 6,000 रुपया डालने का फैसला किया, 2,000 रुपए की पहली किस्त आ गई। हम जो कहते हैं वो करते हैं, ये गरीबों की बात करती है कांग्रेस। आज जब चुनाव आते हैं तो कांग्रेस को गरीब याद आते हैं, गरीबी गरीबी खेलने लगती है, आसनी खेल रहे। इंदिरा जी कहती थी गरीबी हटाओ, राजीव जी कहते थे गरीबी हटाओ, मनमोहन कहते थे गरीबी हटाओ, 60 साल से गरीबी हटा रहे हो, गरीबी हटी क्या? अब कह रहे न्याय योजना ले आएंगे, पैसे खाते में डाल देंगे। अरे बेईमानो, तुमने मध्य प्रदेश में संबल जैसी मेरी योजना बंद कर दी, जिसमें मैं गरीबों के बच्चों की फीस भरवाता था। मेरी बहनों, बेटा बेटी को जन्म, मेरी गरीब बहना मध्य प्रदेश की धरती पर देती थी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया उसके खाते में डालता था, ताकि माता घर पर रहकर आराम कर सके, बेटा बेटी को ठीक से पाल सके। वो योजना इन्हें बंद कर दी। बिजली के बिल हमने 200 रुपया कर दिए थे गरीबों के, अब 6,000, 8,000, 9,000 आते। एक्सीडेंट में गरीब की मौत हो जाए, मैं 4,00,000 रुपये घर पहुंचाता था। सामान्य मृत्यु पर 2,00,000, अंतिम संस्कार किए 5,000। इन्हें तो अंतिम संस्कार के 5,000 रुपया भी गरीब के छीन के सारी योजनाएं ठप कर दी। ये क्या गरीबों के दर्द को समझेंगे? गरीबों को दर्द को समझता है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं। बहनों और भाइयों, यहाँ देवेंद्र फडणवीस समझते हैं, भाजपा शिवसेना की सरकार समझती है। उन योजनाओं को गिनाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। मेरी बहन ने बता दी, प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक, डंके की चोट कह रहा हूं, कह दो गरीबों से जाके कोई कच्चे घर में नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बना दिए जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का वचन है, कमिटमेंट है।
ऊर्जा रसोई गैस योजना, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल योजना, फसल बीमा योजना, एक नया नए योजनाओं के माध्यम से एक नया भारत नरेंद्र मोदी बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी किसानों का मान है, नरेंद्र मोदी माताओं बहनों का सम्मान है, नरेंद्र मोदी नौजवानों की शान है, नरेंद्र मोदी गरीबों का अभिमान है और नरेंद्र मोदी नए भारत की पहचान है। एक अद्भुत भारत उनके नेतृत्व में बन रहा है। लेकिन मोदी के मुकाबले कौन ये तो बता दो। रोज गाली देते हैं पानी पीपी के, मोदी नहीं, मोदी नहीं, मोदी नहीं। रात में सपने में भी चमक चमक के जग जाते हैं, मोदी हटाओ, मोदी नहीं। लेकिन मोदी नहीं तो कौन बोले बाद में तय करेंगे। अलग अलग राज्यों में पार्टियां देख लो, अरे बताओ तो कौन। उत्तर प्रदेश में बुआ और बबुआ, बुआ बचाया था तुम्हें भारतीय जनता पार्टी ने, जब बबुआ की पार्टी वाले मारने आए थे, कई ममता दीदी, कई चंद्रा बाबू, कई देवेगौड़ा, कौन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कोई बता तो दे। नेता ही तय नहीं है। अगर इनके नेताओं की भीड़ में कोई कह दो प्रधानमंत्री जी तो 25 उनके नमस्कार करने लगते हैं, नहीं बनूंगा, कौन बनेगा कोई बता तो दे। सोमवार को अखिलेश यादव, मंगलवार को मायावती, बुधवार को चंद्रा बाबू, गुरुवार को देवेगौड़ा, शुक्रवार को ममता दीदी, शनिवार को राहुल गांधी, इतवार को छुट्टी, कोई नहीं रहेगा। ऐसी बारात है। विपक्षी दलों के गठबंधन वो भी पूरे नहीं बने। अब उत्तर प्रदेश में हैसियत क्या है कांग्रेस की? बुआ बबुआ ने कह दिया दो नेता, इसके अलावा नहीं रहेंगे, गठबंधन के बाहर। आप सोचिए, शादी क्या हो गई, बारात का दिन आ गया, बराती पहुंच गए, बैंड बाजे बज रहे हैं, शहनाइयां गूंज रही है, डांस भी हो रहा है, घोड़ी भी आ गई है, लेकिन दूल्हा कौन है इसका पता ही नहीं है। कौन है नेता ये तो बता दो। ये तबाह और बर्बाद कर देंगे। हमने देखी है गठजोड़ों वाली सरकार, 96 में बनी थी, अटल जी बड़ी पार्टी के नेता थे, उस समय पहली बार प्रधानमंत्री बने, बहुमत सिद्ध नहीं हुआ तो जोड़ तोड़ की सरकार बनी, उसमें से क्या निकला था, कहीं कीट कहीं करोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, उसमें से निकले देवेगौड़ा। कितने दिन चले, 7-8 महीने में सरकार गिर गई, फिर गुजराल साहब आ गए, देश तबाह हो गया। मेरे बहनों और भाइयों, देश को प्रधानमंत्री चाहिए तो नरेंद्र मोदी चाहिए। मैं आज आपसे निवेदन करने आया हूं, आपका प्यार और आशीर्वाद रक्षा बहन के साथ, भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ, युति की सरकार देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बहुत बेहतर काम कर रही है, विकास का नया इतिहास रचा जा रहा है। अभी राजपा और इनका एक चक्कर में नहीं आना, उसकी हालत तो ये हो गई राजपा की, उनके सबसे बड़े नेता ने कह दिया मैं नहीं लड़ता, मैं संन्यास ले रहा हूं। इधर शरद राव ये बात करते हैं, उधर राहुल गांधी कहते हैं मैं अकेले अमेठी से नहीं लड़ूंगा, बयानौर भी जाऊंगा। मन से नहीं गए, हार के डर से भगे। इस पार्टी के नेता खुद ही हार के डर से 2000 किलोमीटर दूर भग गए। बताओ वो चुनाव जीत सकेगी क्या? अरे बताओ जीत सकेगी क्या? ये कांग्रेस, राजपा, दूसरी पार्टियां ये देश नहीं बचा सकती। देश अगर बचाएंगे, बनाएंगे तो मोदी जी भारतीय जनता पार्टी एनडीए बनाएगा। और जो मैं आज आपसे प्रार्थना करने आया हूं, मन आपने बनाया है, आपका आशीर्वाद रक्षाताई को मिलेगा, मुझे विश्वास। नरेंद्र मोदी जी को आप अंतरात्मा से चाहते हैं, लेकिन मैं भी पड़ोसी धर्म निभाने आया हूं। आप भी तो गए थे संजय जी पूरी टीम के साथ, संजय जी भी डटे हुए थे, हरदा वरदा कहां कहां, होशंगाबाद। हमने कहा हम भी कर जा थोड़ा बहुत उतारे आए, इतनी गर्मी में आप बैठ के सभा सुन रहे हैं। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं
रक्षाताई काम करेगी, संजय जी काम करेंगे, संजय जी चैन भी देंगे, सुख भी देंगे, लेकिन इनके साथ शिवराज सिंह चौहान भी कदम से कंधे और कंधे से कंधा मिलाकर कभी जरूरत पड़ी तो आपके लिए खड़ा रहे। मेरे बहन और भाई, चूक ना हो जाए, फिर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। रक्षाताई ने दिन और रात आपकी सेवा की, परिश्रमी है, ईमानदार। खड़से जी की राजनीतिक विरासत को संभालने वाली हमारी बेटी आपकी भलाई और कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और टीम इतनी जबरदस्त है, एक तरफ संचेती जी, एक तरफ संजय जी, ये पूरी टीम बैठी है, ये मिलकर काम करें। शिवसेना डटी हुई है, जय शिवाजी, जय भवानी, चिंता की जरूरत नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा एक बार फिर से पूरे विश्व पर बुलंद होगा, भारत फिर बढ़ेगा, दुनिया का सरताज बनेगा। आइए संकल्प लीजिए कि कमल के फूल की बटन दबाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, रक्षा बहन को अपना खासदार बनाएंगे और नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। बोलिए, आप सब तैयार हैं? आज जोश हो जाए, मामा पूछ रहा है, सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, रक्षा ताई को खासदार बनाएंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो आज मामा के सामने संकल्प हो जाए कि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गर्मी कितनी हो, डट के वोटिंग होगी, घर घर से लोग निकलेंगे और रिकॉर्ड वोटों से जिताएंगे। ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लीजिए। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।